गुरु साहिब जी सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरते तार जी अरेक टेक तू लहा बेडानी आस नानक नाम ते आई है कारज आवे रास एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पंजवां हमारी प्यारी अमृत थारी गुर निमख ना मन ते टारी दे हमारी प्यारी अमृत थारी गुर निमख न मन ते टारी दे रहा दर्शना परसना सरसना हरसना रंग रंगी करतारी दे खेन राम गुर गाम हर दाम नह जाम हर कंठ नानक उरहारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खेन राम गुर गाम हर दाम नह जाम हार कंठ नानक उरहारी रे परम सम्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर दिन वेले दे दीवान दियां हाजरियां पर रहे सत्कार योग सत्संगी जनों साहिब दी पावन हजूरी विच बैठ के सतगुर की अमृत बाणी का कीर्तन आप सारिया ने सतगुर के प्यार वाले पासों सरवण किया है। आओ शहीदों के सिर ताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज तिना की रसना तो उच्चारण किया होया पावन शब्द जिसका आप हमने पाठ किया है जिस शब्द की आप विचार सांझी करनी है राग आसा अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 404 उपर यह शब्द सुभायमान है। शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला निम्रता सहित सारी संगत की अगे बेनती है भी संगत होर आ रही है थोड़े थोड़ा अगे हो जाओ ताकि जी होर संगत आ रही उन्होंने बैठने की जगह मिल जाए। भैणों भी बेनती है भी अगे बहुत जगह है जी संगत होर आ रही है वह पिछे बैठ जाएगी ताकि आप सारियां जिन्ना क थां बनता है दे सकीए। आस है कि इस बेनती आप जी प्रवान करोगे। आओ विचार आरंभ करन तो पहला कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए। सारी संगत इक्के वार कहते फतेह की पाओ सांझ गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। विचार सांझे करन तो पहले एक बार सारी संगत शब्द दियां रहाव वालियां तुकां नूं रल के पढ़ लईए फिर आपां विचार सांझे करदे हां ताकि संगत उन्नी देर तक अपनी अपनी जगह पर बैठ सके क्योंकि बाणी की विचार मन की एकाग्रता बहुत मंगती है। सारी संगत रल के इन्हां तुकां दा पाठ करिए जी। हमारी प्यारी अमृत धारी हमारी प्यारी अमृत धारी हमारी प्यारी अमृत धारी हमारी प्यारी अमृत धारी
हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमुख न मन ते टारी रे, 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 निमुख न मन ते टारी रे, गुर 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 निमुख न मन ते टारी रे, गावो सच्ची बाणी, 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 गावो सच्ची बाणी। सासन जी बेनती है, आपां जिन्ने जाने बैठे हैं समा कढ के आपां गुरु दी हजूरी विच आए हैं, पर मैं वेख रहा कुछ कुछ संगतां दे मूँह हिल रहे ने, बाकी उदा बैठे ने। बड़ी सौखी बाणी है जे आपां समा कढ के आए गए हैं, क्योंकि ये जिहड़ा गुरुद्वारा हुंदा है उत्थे सानू कोई सद्दा पत्तर नहीं हुंदा, असीं अपने शौक नाल आउंदे हां, साडे अपने मन की मर्जी नाल आउंदे हां, असीं अपनी जिंदगी विच्चों समा कढ के रजेवियां भरी जिंदगी विच्चों समा कढ के आउंदे हां कि साडा कुछ समा गुरु की गोद विच सफल हो सके। ते जे आपां आ ही गए हां, साडा फर्ज बनता है कुछ समा इत्थे बैठ के सतगुरु की बाणी का पाठ कर लीए, विचार कर लीए, ताकि सानू कुछ समझ पै सके। सारे जाने गज के बाणी पढ़ो, कोई भी रसना ऐसी ना रहे जिहड़ी बाणी का पाठ ना करे, क्योंकि ये कोई आपां कच्चे गीत नहीं गा रहे, मेरे सतगुरु की बाणी गा रहे हैं। तो बाणी च लिखिया मेरे मालिक ने, सा रसना धन धन है तो एक मास का टुकड़ा ही, पर यह धन पता कदों बनती है, जदों ये मालिक की तारीफ करती है, वो गुण गाँवी है। नहीं तो मालिक ने यह भी कह दिता है कि जुबान होवे पर उदे नाल जे मनुख सच की विचार नहीं करता, रब के गुण नहीं गाँवता, तो फिर इस जबान नू निके निके टुकड़े कर देने चाहिए हैं। रसना नपे जपे ना नाम, तिल तिल कर कटी है, भी की करना है को जे ये गुण ही नहीं गाँवी है, मिले तो वो कमां वास्ते है, ये सानू लड़ाई झगड़े कलेशा वास्ते तो मिली नहीं, इस करके जो मिली है साडा फर्ज बनता चंगा काम ये को लै लीए। सारे जाने गज के पढ़ो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, साह संगत तुहाडे बाणी पढ़न तो पता लगना चाहिए कि संगत हुण बाणी पढ़न लग पई है, नहीं तो बड़ा बदनाम किया गया सिखां नूं कि सिख हुण बाणी नहीं पढ़ते, पाठ नहीं करते, ये बहुत बाणी तो दूर जा चुके ने। अं तो तरला ही लै सकते हैं संगत अगे भी बाणी पढ़ के, हुण सबूत तुहां देना कि हुण संगत बाणी पढ़न लग पई है, भाई हुण आप सतगुरु की बाणी का आनंद प्राप्त कर लग पई है। सारे पढ़ो गज के, जिनी आवाज में आप गल्लां करते हैं उन्नी एक आवाज में जी आप बाणी पढ़ीए तो मिल के कि आवाज बनती है, अंदाजा तुम आप ला लो। सारे पढ़ो एक बार, गावो सच्ची बाणी, 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 वाह वाह, सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, सिख सत गुरु के प्यारे हो, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, 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 वाह वाह, बाणी ता गावो गुरु केरी, 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 बाणियां सिर बाणी, 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 जिनको नदर कर्म हो
जिनको नदर कर्म होवे, हृदय ना समानी, 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 हृदय ना समानी। पीवो अमृत सदा रो हर रंग, पीवो अमृत सदा रो हर रंग, पीवो अमृत सदा रो हर रंग, पीवो अमृत सदा रो हर रंग। जपियो सारंग पानी, 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 जपियो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो, कह नानक सदा गावो, कह नानक सदा गावो, कह नानक सदा गावो। ए सच्ची बाणी, 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 आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी, 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 गावो किदी कमाल दी गल है साध संगत कि सहब सच्चे पातशाह आप मौजूद ने शरीरक तौर ते, सिखां नूं कहिंदे ने तुसीं करना की आण के बाणी गाउणी है। तुहानूं सारे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों इह नहीं किते लिखिया मिलेगा कि महाराज ने आखिया होवे भाई आण के मेरे अगे सिजदा करो। सिख गुरु नूं वी बाणी समझ के सिर चुकाउंदा है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने सिद्धां ते पहला सवाल ही कीता सी, कौन मूल सिद्ध गोष्ठ बाणी रामकली राग अंदर दर्ज है, जिहदे विच सिद्धां दे नाल विचार चर्चा गुरदेव ने जो कीती उस नूं बाणी दा रूप दित्ता है। अज दुखांत वाला पक्ष यह है कि अज असीं बाकी सारे काम सीख लिए ने, अपने सतगुर की बाणी की आप विचार करनी अजे नहीं सीखी। अज असीं इत्थे बैठे हाँ कि सानू गुरु की बाणी बारे अज खुद नहीं पता, सानू कोई दसदा, तां ही ते भुलेखे खड़े किए गए। याद रखना हमेशा मनुख गुमराह उस चीज ते हुंदा जिहड़ी चीज बारे मनुख नू यकीन ना होवे, भरोसा ना होवे। आपां अपने घर तों सारे चल के आए हां, सानू अपने घर दा रस्ता कदी भुलदा नहीं क्योंकि साडे सुरत विचों घर दा रस्ता टिकिया होया है। पर किसी दे घर जाणा होवे ते भुलेखा पै सकदा क्योंकि पता नहीं, सानू यकीन नहीं है वी उहदा घर किहड़ा है। अपने घर का कभी भुलेखा नहीं पैंदा। अज भरम भुलेखे तां ने कि सानू अपने असली घर का पता नहीं है। जिदन सिख ने खुद आप सतगुरु की बाणी पढ़ के विचार कर ली तो पता लग जाए मेरे गुरु ने कहा कि इंसान किवें जिंदगी जीवन में सफल हो सकता है। सिद्धा ने जिहड़े सवाल किए गुरदेव ने उन्हें बड़े सोहने तरीके दे नाल बाणी विच अंकित करके जवाब दिते ने। सिद्धा का सवाल है इंसान का मूल की है। सतसंग जी तुम भी बैठे बैठे सोचो नाल, एक मेरी बेनती सतसंग जी, मैं हर गुरुद्वारे एक बेनती जरूर करदा। स्रोते अठ प्रकार के होंगे ने, कई काम हों आवाजाई वाल वेखना कौन आया कौन नहीं गया। स्रोता वह होंगे जरा गुरुद्वारे आण के गुरु के शब्द में अपनी सुरत को टिकाए। बाणी ने किहड़ा गुरु साहब ने शब्द उच्चारण किया है, किहड़ा कीर्तन असी सुने है, किहड़े शब्द अंतरी भाव की है। नहीं तो मेरे गुरुदेव ने एक बचन किया, कह लगे घंटिया बधी भी जे तू धार्मिक स्थान पर बह के मन करके हाजर नहीं ना, महाराज कहते कई घंटे बैठना भी तेरा सफल नहीं है। पढ़ा एक बचन सौखा जहा, गुरसभा एव न पाई है ना नेड़ा है, ना दूर, नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे। आप सारे गृहस्थी बैठे हैं, बच्चे स्कूल भेजिए तो जे साडा बच्चा स्कूल मन ना लावे की भला पढ़ पाएगा कभी।
जिथे ओनू तन उत्थे हाजिर करना पैंदा, मन भी हाजिर करना पैंदा। आपां कोई नौकरी करदे नहीं, जे साडा तन उत्थे हाजिर होवे, मन हाजिर ना होवे, एक सकिंट विच समझ लैंदे ने अगले भी तेरा मन हाजिर नहीं, तू आ नुकसान कर दिता है। जे तेरा मन हाजिर हुंदा तू नुकसान नहीं सी करना, तू बद्दा चट्टी कर रहा। पेमेंट चाहना तू पूरी, तो काम तू ईमानदारी नाल नहीं कर रहा। उत्थे एक सकिंट विच बंदा जजमेंट करदा वी तेरा तन हाजिर है, जे मन हाजिर हुंदा ते कुताही नहीं सी होनी, तेरे कोल गलती नहीं सी होनी। वैसे दुनिया का हर काम याद रखना, जो बद्दा चट्टी बंदा करता है तो छेती थकता है, मन दे चा ना करे तो घंटिया बदी नहीं थकता, निगाह जा नुकता ही है। आप किसी के घर जाना, इतने के अपने को साधन ने मालक की कृपा है भी आप किसी के घर जाना तो साधन से जावे, साढ़े को गड्डी है, कार है, आप चले जावे। पर मैं उदाहरण दिना हूं पंजाब के आम पिंड की आम शहर की, भी आप किसी के घर जाना हो तो सुभाविक है आप साधन लभते हैं भी मेरे को बाइक हो, कोई गड्डी हो, मैं जावा, भावें वह घर 2 किलोमीटर ही दूर हो। पर आप सैर जो करते हैं कई बार 4-4, 5-5 मील घूमो रहे, थकते क्यों नहीं, क्योंकि शौक ना कर रहे, चाह वा कि मैं अपने अपनी सेहत को बनाने वास्ते सैर कर रहे, थकता। तो जे आप उदा को कहे 2 किलोमीटर किसी का घर उदा हुआ तो आप अद्धे किलोमीटर जाके थक जाना, क्योंकि उत्थे हुण मैं मन के चाह नाल नहीं जा रहा, बद्दा चिट्टी है भी मैनू उहदे घर जाना ही पैना है। जदों असीं गाने सुनते हैं, टीवी वेखते हैं, सीरीयल वेखते हैं, किसी के गल कर घंटिया प्रति, कई बार बंदा इंज भी वेख्या होगा तुम गल करते कर पता नहीं लगा 3 घंटे कि लंघ गए, क्योंकि उत्थे मन के चाहे को गल सुन रहे हैं, दस रहा है। तो गुरुद्वारे गुरु की बाणी के कोल बह कई बार ड्यूटियां लाइनिया पे 2 घंटे तू बही, अद्धा घंटा तू बही, तो थोड़े जे समय से बंद वासी आने लग पी, क्योंकि सतगुर ने कहा बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। दुनिया का कोई भी काम है, कली बाणी की गल ही आप ना करिए, वैसे दुनिया का कोई भी काम है, जे तुसी नौकरी भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, व्यापार भी करते हो, जे आप मन के चाह नाल करते हैं तो उहदे विच सानू फायदा भी हुंदा है, तो थकान भी नहीं हुंदी, थकता नहीं बंदा छेती चाह नाल करदा है। थकता बंदा उदों है जदों बद्दा चट्टी करदा है, उदों छेती उचाट हो जांदा है, थकता है। गुरु जी कहिंदे ने थकना नहीं, मन की खुशी नाल करना, मन के चाह नाल काम करके वेख, तू जे तू मन दे चा नाल नहीं कीतेगा उम्र तो पहला बुढ़ा हो जाएगा, उम्र तो पहला थक, ता ही तो बन जाएगा गुरमुख बुढ़े। पढ़ो जी अगली तो कही गुरमुख बुढ़े, मिलो आवाज घट आ रही है, जेडे पढ़ते उन्होंने आवाज आ रही है, तो पता लग जाता ना कि संगत में किन्नी बाणी पढ़ वाली संगत बैठी है। गुरमुख बुढ़े कदे ना है जिन्हें अंतर, हम अगली तुक नहीं आती, वेख लो इन पता यद अर्थ है ना भी मैं थोड़ा इन ध्यान लै रहा, असं पंजाब के पिंड भी जाने, असं पता क्यों असं जजमेंट कर रहे हैं भी किन्नी संगत बाणी पढ़ वाली बैठी है, वे लोग किन्नी किन्नी देर के गुरुद्वारे बने ने, किने किने सरूप बिरद हो गए हैं। पर अज सिख संगत अजे तो ये मता सोचना कि इन ध्यान लै रहे हैं, असं पंजाब के पिंड जो समागम कर जाइए ना, मेरी एक आदत है कि मैं अद्धी तो कहा बोलता, अद्धी संगत वालों बुलाई दी, जे तो संगत वालों गज के आवाज आ जाए तो समझ आ जाती भी इतने संगत बाणी पढ़ वाली बोलो जी हैगी है, तो जे अगे आवाज ना आए तो समझ आ जाता भी अजे इतने बाणी वाला काम सवाया ही आ थोड़ा ही आ। ये आप करना वा आने वाले समय, ता ही रागी सिंह कीर्तन जो करे उन्होंने आनंद आऊगा कि अगर संगत नाल गाने वाली बैठी हो। वापस परतना आप फिर बेनती कर दूँ, मैं विचों विचों पुछना भी असास मैं पता लगे भी संगत सचेत होकर किन्नी बैठी है। रामकली राग अंदर सिद्ध गोष्ठ बाणी, धन गुरु नानक साहब महाराज जी उच्चारण की सिद्धा ना विचार चर्चा की गुरदेव ने ना नाल तुरना तो गल समझ पै जाए। धन गुरु नानक साहब महाराज के सिद्ध पहला सवाल करते हैं कवन मूल, बंदे का मूल की है। आप अपनी सुरपी के सवाल को जड़ाइए कि इंसान का मूल की है, भला मूल हों मुढ़, मुढ़ की है जी इंसान का, भला इंसान शुरू कितों होंगे, भला कहते कवन मूल कवन मत वेला। दूजा सवाल सी ये जो मनुखा शरीर कि मत लैण का वेला मिलया, कि सिक्ख्या लैन का समा। पहला सी भी बंदे का मूल की है, मूल है हवा। जे बच्चा जन्म लेंद्या सार सह लै लै तो सानू आण के दाई नर्स डॉक्टर दसदा है तुहाडे घर बेटी होई है, तुहाडे घर बेटा होया। जे उहदे श्वास चलते ने, तो जे श्वास नहीं चलते तो नाल ही दाई नर्स डॉक्टर सानू बाहर आण के एक मैसेज दिंदी है होई ते बेटी है पर वो डेड है। इहदा अर्थ उन्हें जन्म लै लिया पर श्वास नहीं। बाण जी लिखना हम आदमी हाँ, पढ़ो जी हम आदमी हाँ, बंदे का ना एक दम है, एक दम है। जे दम अंदर जाके बाहर आ गया तो इंसान है, जे दम अंदर जाके बाहर नहीं आया
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਣਿਆ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਮਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੈਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਧਰੋਂ ਟੰਕੇ ਲਾ ਤੇ ਦੋ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਮੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾੜ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭੱਜਦਾ ਨੱਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੀ? ਬੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘੜੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੋਰ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਹੋਰ, ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ
ते जिहड़ा सिख है वह भी सुरत है, शरीर सिख नहीं है, सुरत ने सिख बनना। अज असी भुलेखा कितने खाने, सुरत सिख बनी नहीं, शरीर सिख बन गया। शरीर ने श्री साहब पाली, सुरत ने गुरु ग्रंथ साहब गुरु नहीं धारण किया, श्री साहब पा के भी बंदा मड़ी ते दीवा जगा रहा है, कबर ते जा रहा है, देहधारी बाबे दे पैरां च रख के सिर इंज मत्था टेकदा जिवें गुरु ग्रंथ साहब अगे टेकदा। इहदा अर्थ सुरत ने सिख, सुरत ने गुरु स्वीकार अजे गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं कीता, सुरत ने सिख बनना। जे शरीर गुरु नहीं तो शरीर सिख भी नहीं, सुरत ने सिख बन, सुरत दा सिख बनना वो वास्ते मेहनत करनी पैनी है। शरीर का की है, मैं रास उत्ता सवेरे खंडे बाटे की पौल तैयार हुई, अनाउंसमेंट हुई, आ जा भाई खंडे बाटे की पौल लै, अमर छको गुरु वाले बनो तो जाजे चढ़ो। मैं छक लेना, छकाने वाले छका जाना, उन्हें अजे घर नहीं जाना, मैं तीजे दिन फिर कृपान ला देनी, अगलिया लिस्ट च मेरा नाँ लेके लै जाना। लिस्ट च उन्होंने कहना खिलाड़े डेरे ने इस वक्त 1.5 लाख अमर छकाता। जिन्या लिस्टा बाबिया को उन्नी मेरे ख्याल पूरे सिखा की आबादी भी है नहीं अपनी जिन्होंने उन्होंने छकाता। 80% पंजाब का नौजवान अपने पैरों से तुरन जोगा नहीं। तुम कहो फिर कि पैरों तुरद, क्योंकि साढ़ा असी रोज़ पंजाब के पिंड विचरते हैं। 80% पंजाब का नौजवान अपने पैरों तक लिया तुरन जोगा नहीं छड़िया, पर लिस्टा असी वड्डिया वड्डिया ब्रेन नूं समझाओ, दिमाग नूं समझाओ कि सामने नशा पिया होवे सिख उहदे वल वेखे ना, उहनूं समझा दिओ कि इस चीज़ ने तेरी जिंदगी तबाह करती है। पाबंदियां लाया किसी गलते नहीं गल बनती, बंदे नूं समझाउण दी जरूरत है। मैं सादा जी उदाहरण दिंदा हुंदा, कई हुंदे जिहड़े डेरियां ते जाणा बंद किदां होएगा, डेरे बंद किदां होणगे, को तरीका। हर परिवार समझे मेरा गुरु ग्रंथ साहिब तो सवाए मैं किसी होर को नहीं जाना, हर परिवार समझ आए तो अपने आप बंद हो जाने ने, जाते तो अपने ने, अपने जाते ने भी गुरु तो बिना कोई गुरु तो गल नहीं बनी, आप जाके उत्थे मत्थे टेकदे। इमानदार ना सोच के वेखो कौन जाता जी उत्थे, भला अपने अपने आप नूं सिख खवाउण, वह भरम पाल के बैठे होने असी सिख गुरु ग्रंथ साहिब दे, ना 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 ना। गुरु पातशाह जी ने कसवटी दी है बाणी विच, याद रखना गुरु अमरदास महाराज दी दो पौड़ियां पढ़ो आनंद साहब की बाणी विचों, दो पौड़ियां कठियां ही, जिथे सनमुख शब्द आया उत्थे सिख शब्द वरतिया, जिथे बेमुख शब्द आया उत्थे सिख शब्द नहीं वरतिया। पढ़ लो, मैं दोवें पौड़ियां पढ़ देना तुहाडे सामने, जे को सिख गुरु सेती सिख शब्द आया, जाके आनंद साहब दीआं पौड़ियां चेक कर लियो। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै तां सनमुख सिख कोई जीओ रहे गुरनाले, जीओ रहे शरीर का के नहीं गया, शरीर का के तो प्रभात फेरी वेले नगर कीर्तन वेले सारे तुर पैंदे ने, जीओ रहे गुरनाले गुर के चरण हिरदे ध्याए अंतर आत्मा संभाले। गुरु के चरण कहड़े आ, हिरदे चरण शब्द सतगुर को, गुरु का शब्द ही गुरु के चरण है जिहड़े सिख ने अपने अंदर ध्याउणे ने, अपने अंदर टिकाउणे ने। गुर के चरण हिरदे ध्याए अंतर आत्मा संभाले, आप छड अपना छड़ दे, अपना आप छड़ दे, सदा रहे परने। परना कहिंदे आसरे नूं, पुराने समय च बजुर्गों को एक मोढ़े ते साफा हुंदा सी परना, वह जदों इशनान करन वेले भी काम आना, धुप लगनी उत्ते लै लेना, इसे रुख थले सौना ते धरती ते विछा लेना, परना परना मीनू आसरा। कहिंदे आप छड़ सदा रहे परने, ये सिख की डेफिनेशन है, आप छड़ सदा रहे परने। ते दूजा वचन क्या, गुर बिन अवर ना जाने, पढ़ो जी, गुर बिन अवर ना, ओ गुरु तो बिना किसी होर नू जाने भी ना, गुरु तो बिना किसी होर नू ना जाने, गुरु नू जाने बस। गुर बिन अवर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए। अगला अगली पौड़ी पढ़ो, जे को गुर ते बेमुख होवे, इत्थे सिख शब्द नहीं वरतिया, लिख सकते सी ना जे को सिख गुर ते बेमुख होवे, वो कहिंदे जे सिख ही होया फिर बेमुख थोड़ा हुंदा, ते बेमुख सिख नहीं हुंदा। साढ़े अंदर भरम लेके इतने मरिया मसाणा ते दीवा जगाउण वाला भी सिख, ज्योतिषियां नूं हथ विखाउण वाला भी सिख। हालात इन्ने खतरनाक साढ़े बन चुके ने, इन्ने खतरनाक। मैं चार मार्च की गल दसन लगा, 4 मार्च की, 6 मार्च में होला महला सी, ते साडा मुक्तसर साहब के एरिए दे विच समागम सी, असी आ रहे हां उत्थों पंजाब, जदों असी जगराओं के लागे जा रहे हां ते साडे अगे इक ट्राली जा रही है होले महल्ले ते आनंदपुर साहब, ते बुजुर्ग ते कुछ नौजवान लत्तां लमका के ट्राली दे विच बैठे हुए ने।
ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, 30-40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਾਉਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾ ਟਰਾਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣੋਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਲੈਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੈਂਤ ਮਾਰੀ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ 4-5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਵੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਹਮਰੇ ਕਾਗ ਨਾ ਕੂਕਰ ਖਾਇਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕਰ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ। ਕਵੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਰਾਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 'ਤੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 5-5 ਘਰ ਦੇ ਜਾਇਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ, ਅੱਗੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਇਆ? ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ 5-4 ਰਾਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਮੰਜਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਧਰਤੀ ਮਿਲੀ, ਪੁੱਤ ਨਾਲੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਮਾਂ? ਫਿਰ ਮਾਂ 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 ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ
संसार के पदार्थां गवाच गई है, दादी भी गवाच गई, दादा भी गवाच गया, जहां असीं वड्डा काम किया अपने बच्चों के हत्थां विच सीसियां फड़ा के मड़ियां ते दीवे जगाउण तोर दिता, जहां असीं देहधारियां अगे नमस्कारां करन ला दिता अपनी पीढ़ी नूं। दूजी गल, घर के सरदार ने उसना बापू ने कहना सरदारनी नूं, घर दी मालकण नूं, पगा मारीए हुण चार दिन अपने घर च जिहड़ी दाल बनाउणी है ना उह च नमक मिर्च मसाला नहीं पाउणा, सिर्फ नाम मात्र नमक पाउणा है, मिर्चा भी नहीं सी पाउंदे, मसाले भी नहीं सी पाउंदे। जदों दाल खाण लगना बच्चिआं ने, दूजा सवाल बच्चिआं ने करना, मां रोज़ आपां वधिया दाल सब्जी बनाउणे, दाल विच नमक मसाला क्यों नहीं? कहना पुत तैनूं तां फिर मिल गई साहिबजादे नूं, इह वी नहीं सी मिली तैनूं तां पुत, नमक तों बिना मिल गई साहिबजादे नूं, इह वी नहीं सी मिली। जदों इह गल करनी ना, बच्चिआं ने पुछी जाणा, मां ने दसी जाणा, बच्चिआं ने पुछी जाणा, जा पुत जा के दादे कोलों पुछ, ते दादे नूं पता हुंदा सी, दाता दसण वाला हुंदा सी। एक ये हिस्टरी सी साडी कौम दी। अज तुसी किसे गोरे नूं गल करो साडे साहिबजादे नीहां चढ़े, उह तुहानूं इह गल ते कहणगे की खटिया तुसां साहिबजादे नीहां चढ़े, तुसी की खटिया, तुसी काते मान करदे हो? कहणगे कहिंदे ने, उह कहिंदा साडा इक जीसस सुली चढ़िया सी, लोकां नूं दसण वाले ते हां तुसीं तां ते सिख अगे होए, कह कहिंदे जी मैं ते अपने बच्चिआं नूं नहीं दस्सिआ, सिख ते हो कहेगा ना। ये धार्मिक अस्थान इस वास्ते, हर सिख बिजनेस करे, व्यापार करे, धंधा करे, वो प्यारिया करजा लैके ना मरी, थोड़ा बहुत करजा ला के जाई दुनिया तो, गुरु के नाल अखा च अखा मिलाने जोगा तो हो जाई, नहीं तो श्री राग का शब्द मेरे ते टुकना। मैं तो कई बार कहना हुंदा दाता तू अपने लायक बच्चे साढ़े वर्गे नलायकों तो वार दिते, वो वारन वाले सन कितने जिन्हां नूं कहण की भी लोड़ ना पई, आप के आण के बाबा जी से ने दाता मैनू तोरो मैदान जंग विच, लायक बच्चे पढ़ो श्री राग का शब्द, कहिंदे मैं कीता ना जाता। आ शब्द दे बोल सुनना गुरु नानक साहिब महाराज दे, कहिंदे मैं कीता ना जाता, हे रब जी मैं तेरे कीते नूं जान ही ना सकिया, हराम खोर मैं, हराम खोर हां क्या मूंह देसा, रब जी मैं केड़ा मूंह लैके तेरे सामने जाऊं, दुष्ट चोर मैं तेरे घर का, दुष्ट तेरे घर का चोर हाँ। नानक नीच कहे विचार, तानक रूप रहा करता। कारण यह सी कि असी अपने सतगुर की बाणी की विचार तो कोह दूर चले गए, कम से कम थोड़ा बहुत फर्ज अपना अदा करते, असी अपने बच्चों चंगी विचार दसते, उन्होंने सुरत में कोई ना कोई गल पाते ताकि साढ़े बच्चे विकास करते। खैर मैं बेनती कर रहा सी, धन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा शब्द गुरु सुरत उन चेला, सिख का गुरु शब्द है, सुरत ने सिख बनना, सुरत ने सिख बनना, जदों सुरत सिख, अज सुरत करके किन्ने सिख ने अंदाजा ला के वेख लो, कुछ कोई किसी मत्था टेक रहा, कोई किसी मत्था टेक रहा, थां थां सिर चुकाई जा रहा। सिख की डेफिनेशन यह है भी केवल तो केवल अपने गुरु अगे सजदा करना, जां अपने अंदर एक प्रण करके जाना, कोई बने मिले सत्कार योग बंदा कोई मिले, मैं एक गल कहना हुंदा फतेह बुलाओ, आगे आवे सिंह जो पावे वाहगुरु जी की फतेह बुलावे, फतेह बड़ा वड्डा पक्क दिता सानू। हुण किड्डी कीमती गल कही धन गुरु अर्जन साहब ने, कह लगे हमारी प्यारी अमृत धारी, जेडे मेरी रब की सिफत सलाह विच उचारण की बाणी, ये अमृत की धारा है, गुर रारे नूं सहारी है, गुर गुरु ने निमख ना मन ते टारी दी, उस गुरु ने मेरे हिरदे विचों रब की सिफत सलाह करन वाली बाणी नूं इक सकेंट भी भुलण ना दिता, मैनूं मैं उस बाणी नूं अपने हिरदे विच वसाया। गुरु नानक साहब जी का गुरु शब्द, गुरु अंगद साहब बैठे उन्होंने शब्द गुरु की गल की, गुरु अमरदास महाराज बैठे आप ने शरीरक तौर पर आ मौजूद ने, की कहें सिखा भला आप पढ़ के उन्हें कहते आ वो सिख सत गुरु के प्यारे हो, की करो पदान के जी बाणी गाओ। अज अज चिमटा कल्चर चल पाया, मेरे तो पहला भाई साहब कीर्तन कर रहे सन गुरबाणी का, यह गुरबाणी का कीर्तन है, अकाल तख्त वालों प्रवान सिख रहत मर्यादा च लिखे है, रागों में गाने गुरबाणी का कीर्तन कहते हैं, जां शब्द नूं धारना, जिवें आपां हुणे शब्द धारना ला के पढ़िया आ वो सिख सतगुरु के प्यारे हो, एदां कीर्तन भी किया जा सकता सी, जे किसी ने चिमटियां ढोलकियां नाल भी करना इंज भी किया जा सकता सी, पर लंबा समा कच्चे गीत गाए गए, बाहर लिखिया शब्द गुरु मान्यो ग्रंथ ते अंदर चिमटे दे नाल पढ़े गए, बाबा तेरी गड्डी आउंदी जां को बाबा मर गया, बाबा मेरा जी नहीं लगता, इदां दे गाने गाए गए। तुसीं यूट्यूब ते वेखना जाके कोई बाबा मर गया ते उहदा चेला स्टेज ते चिमटिआं नाल गा रिहा बाबा मेरा जी नहीं लगता, भी जी नहीं लगता तू भी मर चल जा, जे मैं बैठा हाँ मैं तो कह दूँ भी नहीं लगता तू भी जा मर, पर कौम का तो बेड़ा कर दिता तुसां,
अज हालात केड़े हालातों में साडा समाज लंघ रहा है। गुरु पातशाह ने सानू सतगुर की बाणी दे लड़वाया सी कि अपनी सुरत उच्ची चुकनी है सिख ने, यह बाणी है जिहड़ी सानू अंदर याद रखना। चूना ते दुध रंग दोवां दा इक्को ही हुंदा है, पर चूने वाला कितने दो घुट बंदा भर लवे ना दिल पाड़ के रख दिंदा। अज साडे कलेजी ताइयों पाटे ने, असीं लम्मा समा दुध दे भुलेखे चूना पी गए। एक बार गुरमत का दुध पी के वेखो, परिवारों में शांति आ जाएगी, जिंदगी दे जीवन दे तरीके आ जाएंगे, ये युरत आजू दलेरी आजूगी। आम सधारण सधारण बंदे बादशाह की परवाह नहीं सी करते, बाणी विच कला है, बाणी की एक खूबी है कि बंदे नूं अंदरों निडर करती है। जिहड़े रोज़ पढ़ते हैं, जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया जी तिनका भउ, दो मिनट सोच के देखो, सत साल के बाबा फतेह सिंह मामूली गल नहीं, वजीर खां की कचहरी में पेश किए गए। आपां नूं थाने जाना पवे ना कल्ले नूं किते, भला किदां दा मूंह होया हुंदा अपना, कई नोट करके वेखो, भावें अपना कसूर भी कोई ना होवे, कितने आप किसी अफसर ना गल करनी पवे ना, एवें साहब बहादुर करी जांदे आपां उत्थे। अंदाजा ला के वेखो, वजीर खां की कचहरी साहिबजादियां नूं पेश किया गया। उन्होंने उस वड्डे सारे दरवाजे के विच बारी रखी भी इह सिर झुका के लंघणगे, असीं रौला पा देंगे। साहिबजादे ने सिर झुकाया। बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह जदों वजीर खां की कचहरी च पेश करते हैं, दोवें आप जाने एक दूजे के चेहरे वाल वेखते हैं। हुण इह तुलना करियो, अपने सत्त नौ साल के बच्चे आप $100 दे के बाजार नहीं भेजेंगे, भी कि राज ना सुट जाए। मैं पंजाब की उदाहरण दिना हुंना, खेतों से बापू काम करता हो, माँ चाह बना के सत्त साल के बच्चे कहूँ कि जा जाके खेतों से बापू फड़ाया। सत्त साल का बच्चा की हुंदा, नौ साल का की हुंदा, जब पुत खेतों से बापू, उन्हें कहना नहीं चाह डोल देनी है, पंजा रुपया की चाह का यकीन नहीं है माँ को अपने बच्चे के उपर, कि राज डोल जानी है। माता गुजर कौर ने अपने पोतरिया से कौम का भरोसा किया भी मेरे पोतरिया सिर पर कौम खलोती है। सिखी कि नहीं हम है, यह है इनू कहते कमाई, कमाई तो आप भी करते, आप मर गए ना ही कमाई मर जानी है, कहने पूछना कमाई वो है, तू खत्म हो जाए कमाई का ना तो चले। जी गल सिद्धा ने आखिया धन नानक तेरी वड्डी कमाई, कि कमाई सी जी वो कमाई आ जी अज आप खा रहे हैं, ये कमाई है। इस कमाई में सिजदा करना बनता है। हुण कभी सोच के देखो किन्ना हालातों में गुरदेव ने सानू कढ़िया, तो किन्ना हालातों में असं फिर पहुँच गए। साहब ने साड़ी सुरत उची चुकी सी, सानू ज्ञान दिता, सानू विचार। जदों वजीर खां की कचहरी में पेश होए तो बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह दोवें एक दूजे चेहरे वाल वेखते हैं। बाबा फतेह सिंह ने जदों बाबा जोरावर सिंह के चेहरे वाल वेखे, इन्होंने सिर नहीं पहला लगाया, अपना पैर पहला लगाया, जुत्ती पहला लगाई है, ये सियाणप सी, ये झलक मार दी है भी कद के जाके वजीर खां की कचहरी में की क्या बुलाना जी, जाते होने आप गज के बुलाओ एक बार, खालसा वाहेगुरु जी की। बस इस नुकते याद रखे, उन्होंने पता है कि साड़ी इतने फतेह का जवाब देने वाला कोई नहीं बैठा, पता है ना, पर फिर भी बुलाई। वह दुश्मन के घर जाके भी फतेह बुलाते, सिखा अपने घर की फतेह बुलानी भुल गए। दसो जी, वह अमीर है कि आप अमीर हाँ, साढ़े काम ही इतने हाए, साढ़े काम ही हाए तो मरीज कहता है, इन्हें भी मॉडर्न ना हो कि अपनी सभ्यक बोली भुल जाइए। आप हाए तो मरीज कहता है, जरा जरा कितने टीका भरया हो कि ना सूर जख्म बनया तो हाए 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 करता, साड़ी हाए तो राह शुरू होती है, हाए तो देनी शुरू होता है, अभी तो भुल गया। इन्हें मच्छी अमेरिका की भी पानी च रही है, मच्छी कैनेडा का भी पानी च रही है, तो मच्छी जी बॉम्बे की बंदरगाह लगी है ना समुद्र, वह भी पानी च रही है। मच्छी भावें यह जिनी मर्जी सदी चलिए, पानी तो बिना गुजारा ही नहीं। तो याद रखी सिखा, जे मच्छी का जीवन पानी है तो तेरा जीवन सतगुर की बाणी है। जिन्ना मर्जी मॉडर्न हो जा, एक नहीं तो एक नहीं पीढ़ी, दो नहीं तीन नहीं, एक पीढ़ी तो वापस आना ही पैना, किन्ना कु बागी हो जाएगा। अक्सर महसूस करना है तू, कई कहते जी मच्छी पत्थर चट के वापस आँदी, मैं नहीं सहमत इस गल, जो नासा ना वजन पत्थर फिर भी नहीं वापस आँदी, वह नासा बना के आँदी है, बहुतिया मच्छिया नासा नूसा पड़वा के वापस आदियां ने, गुरदा खराब हो गया, डॉक्टर ने जवाब दिता कहते चलो हूँ अमर छक लो, आपे आई मच्छी, शरीर का सत्यानाश करा के आई मच्छी, अपने आप आने वाली मच्छी हो। जवानी इस बन्ने लाओ, जो बंदा विशे वकार भोग सकता है, जो शरीर में ताकत है, विशे वकार पूरे भोग उदो जवानी में इस बन, जो सब कुछ खत्म हो गया, शरीर का सत्यानाश रज गया, मगरों आ ना आ की फर्क पैंदा है। पर फिर भी गुरु कहिंदा आ जा, घबरा ना, पर नौजवाना कई बार कई बच्चे सिक्खी वाले बन्ने तुरना चाहते हैं, पिछों माँ बाप आवाज देंगे अजे तो खाण पीन का टाइम है,
खाण पीन का टाइम है जी। केड़ा खाण पीन का टाइम है जी? गुरमत पढ़ के लस्सी पीन की मनाही कर दी गुरमत, जूस कोई फ्रूट खाण तो मना कर दी है, हाँ नशा पीन तो मना कर दी। यद अर्थ यह है कि परिवार चाहता ना जी खाण पीन का टाइम है, खाण पीन का मतलब परिवार की सुरत में गल कितना कितने बैठी है ना। यह गल माता गुजर कौर के परिवार के मैंबर की गल बिल्कुल नहीं कही, उन्हें बिल्कुल नहीं कि भी खाण पीन अंदर नहीं। साहबजादे गज के फतेह बुलाते हैं वजीर खान की कचहरी में पेश हो के, निरपैता यह निडरता कितों आई सी? सतगुरु की बाणी विचों। प्रभ की बाणी सब को बोले आप अडोल ना कभू डोले, बाणी अंदर अडोल करती बंदे नूं। सिखा तू बाणी पढ़ के अंदर युरत पैदा करनी है। वह वजीर खान दी कचहरियां च ना डोले, वह तू हरे रंग की कबर वेख के उत्थे सिर झुकाई जाना। साढ़े ही तो इन्हों अंदरों इन्ने डराकड़ हो गए जो दीवा ना जगाइए हाए आह काम हो जाना, उत्थे जगह बड़ी जारी जे सिर ना चुकाया आह काम हो जाना। कारण कि असी निरभौ परमात्मा नूं पढ़िया है, समझिया नहीं कि मेरे मालिक की बाणी की आती है। कि आख्या भला भगत कबीर ने, एक जोत एकता मिली, एक जोत एक परमात्मा की जोत ना, जो मेरी जोत मिल गई मेरे विचार परमात्मा वाले विचार हो गए की होएगा फिर? एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, फिर मैं रब नालों वखरा थोड़ा होना। किंबा होए महोए फिर अंदर होमे की विचार आनी, जित घट नाम नहीं उपजै। जिस हिरदे विच घट कहिंदे हिरदे नूं, जिस हिरदे विच सच का नाम पैदा नहीं हुंदा, फूट मरे जन सोए, वो जन फुट मरदा है, पाटक पै जांदी है, मन दुफाड़ हो जाता है जो हिरदे विच एक रब की गल नहीं। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे, हुण शब्द पढ़े जाते हैं रागी सिंह गाते हैं, असी सिर मारते हैं वाह वाह वाह। जे सानू को बाहर जोड़ा पाते हैं बाहर जाते हैं पूछ ले भाई साहब जी बड़ा सिर मार रहे थे समझ आ रही थी कोई, जे आप कहे नहीं वो जो समझ ही नहीं आ रही तो मना की आप हम डॉक्टर दवाई दस रहा हो अंदर तो आप सिर मारी जाइए तो बाहर जाकर पूछे भी तेन जो डॉक्टर दवाई दस रहे तेन समझ आ रही थी? उन्होंने नहीं समझ अंदर, फिर खाएगा कि घर जाके बोलो सास ने जी डॉक्टर दवाई दस रहा हो तो मैं समझ आ रही हो, दस रहा हो आप तीन खुराक तू तीन टाइम खानी, वो दस रहा मैं समझ आ रही हो तो मैं उदा सिर मारी जावा मारा जी। तो बाहर जाते हैं को क्लीनिक चो निकलते हैं हॉस्पिटल तो बाहर निकलते कोई बंदा पूछे भी जो डॉक्टर दवाई दस रहा है तेनों समझ आ रही थी? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि तू सिर को मार रहा है जो तेन समझ नहीं आ रही तो खाएगा कि जो बाणी का पाठ कीर्तन हो रहा जो मैं समझ नहीं आ रही तो मैं मनागा कि रोज़ पढ़ते हैं सब सीखने को हुक्म है गुरु माने हो मनना तो गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, पर मनन तो पहला पता तो लगे। मैं सुनिया जपजी साहब चार पौड़ियाँ सुनने वाली आदि ने, चार ही मनने वाली आदि ने, तो मनन तो पहला सुन दिया पौड़ियाँ ने, पहला सुन फिर मन सुन टाइम। हुण आपां घरां जदों पाठ रखाउंदे आ जदों बाणी दा पाठ हो रहा हुंदा आपां कित्थे हुंदे जी भला बोलो सतसंग जी? जदों आपां आम पाठ कराउंदे आ उदों जिन्हां दा पाठ हो रहा उह कित्थे हुंदे भला जी? चलो मैनूं इत्थों दा पता नहीं, हुण मैनूं करना वी नहीं चाहीदा, मैं ते पंजाब दी गल दसणगा। तुसीं वी पंजाब जांदे हो, तुहाडे वी रिश्तेदार टब्बर पंजाब च बहुत ने। जो आप पाठ रखाने पाठ रखा के महाराज का स्वरूप घर छड़ के आप दबदा भाई साहब ने छे पौड़ियां पढ़िया जदों तो जपजी साहब दियां पहलियां पांच सत पौड़ियां सुनियां देग वरताई मुड़ के अपने काम होंगे ने चलो सुनियारे नूं सोना बन दिता उतों लै आओ चलो सूटा की शॉपिंग कर लिया मुड़ के सब्जी मंडी सब्जी लै आओ तू आह लै आ तू आह लै 35 महापुरख घर छड़ के आप सारा टब्बर बाहर चला गया। दुखी का बाबा जी ना दुखी का साध सारा टब्बर वो बन्ने जिम्मे गुड़ के बन्ने मखियां नहीं भिड़ी इदा बह जाते हैं तो 35 महापुरख आए ने 35 महापुरख 35 महापुरख मेरी यो शब्दावली तो कई चुभती है भी तुम कहते हो धन गुरु ग्रंथ साहब जी बहुत उच्चे ने गुरु ग्रंथ साहब से लाके कला भाई पाठ कर रहा है बाबे नूं घर छड़ के जाए कहते बाबे की गल छो कुड़म मिलन आ जाए कितने न्याणियों का मासड़ ही आ जाए कितने सारा काम छड़ के बंदा न्याणियों के मासड़ को बहिंदा भी जे मैं कोल ना बैठा तो इन बुरा जहा लगना इन्हें मुड़ के दोबारा साढ़े घर आना ही नहीं। वह मास्टर की चिंता तेनों न्याणियों के फुफड़ की चिंता तेनों अपने कुड़म की चिंता वो कोल बहना जरूरी तो तेरे घर धन गुरु नानक साहब महाराज आए हूँ आप तेरे घर धन गुरु अर्जन साहब आप आए हूँ तेरे घर भगत कबीर भगत रविदास जी आए हूँ तेरे घर धन गुरु नौवें पातशाह आए हूँ
तो सिखा तू घर छड़ के गुरु आप बाहर निकल जाए तो फिर तू कमें मैं गुरु ना प्यार बड़ा कर दू कम से कम पढ़ते ला जे वो पढ़ रहे सन तो कोल बह के सुनते ला भी मेरे गुरु ने कहा की है मेरे गुरु ने कड़ी विचार दी है हूँ कि प्यारी गल कही भगत कबीर ने कहते सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो है। मन उत्थे लगता जिसे समझोगे कभी न्याण वाल देखना जो गर्मियों दुट्टिया होंगे सी पंजाब तो न्याणे भला कि रिश्तेदार को जाते जिसे मन लगा हो नानके लगा होंगे ना मामे के लड़किया ना भूआ के लड़किया ना कहता पहला आंदा पहला कहता कि छुट्टिया मैं मामिया को जाना तो जेडे न्याण में कुटते होना न्याणा उधर मूँह नहीं करता मुड़ के कभी नोट करे तो रिश्तेदार होर बहुत होंगे ने जिथे न्याण का मन लगता ना उस रिश्तेदार का नाम बार बार लेंदे जिथे मन लगता उत्थे याद रखना बाबियां कोल क्यों जाने क्योंकि मन लगा होया उत्थे थिएटर च मूवियां वेखण तां जाने मन लगा होया है गुरु दे कोल खिच खिच तां लिआउणा पैंदा भी अजे गुरु नाल मन साडा जिदन लग गया ना इहदे मुकाबले ते दुनिया का हर पदार्थ मिठा तुहानूं इहदे मुकाबले ते फिका लगना जिदन मन लग गया जो सुकून जो शांति याद रखना भावें औरत नूं पुत्तर चाहीदा है औरत नूं औलाद चाहीदी है पर जदों गुरमत समझ आ जाए ना फिर बेबे नानकी की तरह बिना औलाद तो भी संसार ना गंढ पै जाती है बोले सोनिया बेबे नानकी के घर ना धी सी ना पुत सी कीड़ी चीज सी गुरमत नहीं तो अज संसार अंदर जिहड़ी धी दे घर औलाद ना होवे अद्धी अद्धी रात ससा बाह फड़ के बाहर कढ़ दिंदियां भी सौ गल्ला जमीन असी करना साडे घर साडी वंश चलाउण वाला कोई नहीं हैगा पुत्रां नूं सलाहां दित्तियां जांदियां दूजा विआह करा ला मैं हर स्टेज पर एक बेनती करता हूं ना कई चुभती बड़ी है पर इस गल का जवाब अज तक मैं किसी ने दिता नहीं भाइया जय राम ते बेबे नानकी की जी सस है मैं नहीं इतिहास चो पढ़िया भी कित एक बार भी भाइया जय राम ने इंज ही कहा हो भी एडा वा कारोबार एडा वा बिजनेस है मैं दूजा विआह करा ला तेरे घर औलाद नहीं होंगी एक बार भी कितने मेहना तक नहीं दिता असी धार्मिक स्टेजा से बोल बोल के पुत मिठड़े मेवे और दुआई रब दी हालात किन्ना किन्ना हालातों में लग्या पिया समाज किन्ना हालातों में पुत मिठड़े मेवे अजे तक मैं शब्द नहीं पढ़िया भी धी भी मिठड़ा मेवा होंगी है तुम पढ़िया होया तो विखा दियो मैनू कई बार बापू के नाल पुत्रां की लड़ाई हो जाती है बापू सवेरे पट्टी कराउण जा रहा बस में बैठा है बस के शीशे विचों अगली बस वाल वेख रहा वो पिछे लगे पुत मिठड़े मेवे रब सब नूं देवे तो बापू नाले अपना खून पूंजा तो नाले कनैक्टर आता आ बंदा वज जे सही एक बार मैनू जिन्हें लिखा भी पुत मिठा मेवा मेरे तीन पुत तिना ने जीना आराम किया मेरा अंदाजा ला के देख लो मैं बिरध आश्रम जा वेख्या 75% वह बजुर्ग ने जिन्हां की अपनी औलाद हैगी है जे असी सामते भी हाँ गुस्सा ना मना मेरी शब्दावली जे सामते भी हाँ तो वो पिछे एक लालच काम करता हूँ जे तो बापू फौज हो बापू कर जे चढ़ाई तो उस माँ की तां सेवा होंगी भी 15,000 पेंशन लेंदी है तो जी बेचारी किसान ना व्याई होंगी वह चार चढ़ाई तो वह बेचारी मुड़ के दूजी भैन आँदी तू चंकी हाँ सर्विस मैन व्याई गई न्याणे तो सूट भी नहीं सवा के देंदे मैनू तेन तो वे भी नवा धवा के बैंक मैनेजर को लैते जाते विखाने साल बाद खाना पैदा ना भी जूँदी अजे वो फिर नवादे आ धवादे आज तेल चसते हैं वह 15-20 हज़ार तेल चसा मैं पैसों करके माँ की सेवा नहीं करनी इस कर करनी है भी इन्हें मैं पैदा किया है फिर सेवा जे मैं लालच बस करना फिर गुफे भाई गुरदास ने एक शब्द कहा सुन लियो ध्यान ना कहते माँ प्यो पर हर सुने वेद माँ बाप छड़ के तू भावें धार्मिक ग्रंथा के पाठ करी जा मां प्यो पर हर सुने वेद भेद ना जाने कथा कहानी तेरे वास्ते कहानी तो वध के कुछ भी नहीं है तू कहानी पढ़ रहे हैं आर्टिकल पढ़ रहे हैं बस तेनू की पता ना गल्लां दा तू समा भुल गया तेरे ते भी यह समा आना है जिन्होंने गुरमति समझ आ जाए ना गुरमति समझ आ जाए तो परिवार तो शुरू करते हैं परिवार तो पिछली उम्र बुजुर्ग बच्चों वर्गे हो जाते हैं उन्हां दी जबान वो नहीं रह जाती शरीर वो नहीं रह जाता जे सानू सामने आ जाए तो बिरध आश्रम साढ़े पंजाब विच जां बाहर दियां कंट्रियां विच इन्ने बनते ना ये बिरध आश्रम संस्थावां साढ़े साडी नलायकी ने जन्म दिता है भगत पूर्व सिंह वर्गे योधिया ने क्रांतिकारी विचार दे के किदां किस फैमिली चो आए हिंदू फैमिली चो आए कभी लिटरेचर लैके पढ़ना भगत पूर्व सिंह का राउंड ते खड़े हो जाते हैं पर किसी ने संत पूर्व सिंह नहीं कहा उसनूं भगत पूर्व सिंह पढ़िया होवे तां दस देना भगत पूर्ण सिंह हिंदू परिवार च पैदा होए मां दे नाल गुरुद्वारे उत्थों यात्रा शुरू हो गई बस एक मरीज तो काम शुरू होया अज पूरी दुनिया ते एक नंबर की संस्था है उन्हां दी
ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆ ਰਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਗ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕੱਚ ਕਰੜ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਚ ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਏਕ ਜੋ ਤੇਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਹੋਏ, ਜਿੱਤ ਘੱਟ ਨਾ ਬਣਾਉ ਪੁਜੈ ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋਗ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੁਣੇ, ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਯੋਗ। ਇਹ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਉਂ ਕਾਂਛੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਛੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਕਾਂਛੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ,
कहो कबीर सहसा नहीं कोई सहम नहीं कोई परम नहीं मेनू अंत परम गत पाए अंत वेले वह परम वस्था प्राप्त करेगा उन्हें गुरु की विचार ना वह जिंदे जी स्वर्ग का वासी बन जाएगा पैगुंठ का वासी बन जाएगा उन्हें किसी मनोकल्पित स्वर्ग की जरूरत नहीं जिन्हें जिंदे जी अपने सतगुर के नाल सांझ पा ली है एडे एडे शब्द कांची की धरती से बह के भगत कबीर वर्गे योध्या ने उच्चारण किए तो सुभाविक है जिन्हों का कांची के बनारस के नाल बड़ा वड्डा बिजनेस व्यापार जुड़िया सी उन्होंने तकलीफ तो बड़ी हुई होनी है तो हो ही है बहुत मारन दियां धमकियां दित्तियां इहोजे योध्यां नूं हाथियां अगे बन के सुटिया गया पर याद रखना बाबा कबीर जी वर्गे से याद रखना जिन्हां जिन्हां ने सच की विचार की कष्ट जरूर आए क्योंकि दुनिया नूं जगाउणा सौखा थोड़ा धन गुरु अर्जन साहब महाराज तत्ती तवी ते बैठे देग विच उबाला खाधा धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जे घर ने बाबर की चक्की पी हुण एडी शख्सियत उच्ची सुची होवे ते बाबर की चक्की पीणी पवे पर कई बार साढ़े समाज कोई प्रचारक बोलदे माड़ा कष्ट आए दूजे को की फायदा तेरे बोलन का याद रखना जो सुत्या जगाना हो कई बार सुता बंदा बौ खराट से गल भी पैंता है तो पैना भाई जिन्हां दियां दुकानां बंद हो रही जिन्हां दे डेरे बंद हो रहे हैं वो तो बौ खराट जे धन गुरु नानक साहब जी तो लैके कलगीधर पातशाह तक किहड़ा गुनाह कीता सी गुरदेव ने चार चौदह जंगा लड़ियां पईआं चार साहबजादे कुरबान कर दिते कभी सो कभी अपनी हिस्ट्री तो पढ़ के वेखो साढ़े वर्गे तो कई उस वेले भी आते होंगे गुरु साहब ने की खटिया पागा माड़िया जो सच के रस्ते तुरना याद रखना झूठा बंदा हर मुश्किल का हल झूठ बोल के कर लेंदा पर पैर पैर से शर्मिंदा होना पैंदा सच्चे बंदे नूं मुश्किलां ते बहुत आउंदियां पर कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पैंदा आ नुक्ता चेता रखना झूठा बंदा हर मुश्किल विचों निकल लग्या झूठ दा आसरा ला लैंदा ते जदों झूठ फड़िया जांदा फिर की करदा जी भला सॉरी गलती होगी माफ कर दियो इंज कहिंदा ना सच्चे बंदे नूं मुश्किलां जरूर आउंदियां ने पर उहनूं शर्मिंदा नहीं होना पर। एक फैसला बंदे खुद तू आप करना झूठ का आसरा लेना कि सच्चाई उत्ते तुरना यह सच्चाई वाला रस्ता है सच के रस्ते तुर अपने गुरु के उपदेश जिंदगी धारण कर गुरदेव ने तेरे वास्ते एडा वड्डा महान खजाना रचिया भाई गुरदास ने बड़ा कीमती बचन किया कह लगे खसम की बाणी बारे तीन उदाहरण दित्तियां खसम की बाणी बारे कहिंदे जैसे अनचर नरपत की पछाण है भाखा चौबी घंटे वजीर अपने राजे दे नाल रहिंदा ते किते समा ऐसा बने भी वजीर नालों राजा अलग हो जाए रात होवे काली बोली बिल्कुल चेहरे नूं चेहरा ना दिसदा होवे जंगल विच गवाच जाण ते कहिंदे उत्थे होर भी कई बंदे तुरे फिरन ते उच्ची उच्ची राजा आवाजां देवे होर भी कई बंदियां दियां आवाजां उच्ची उच्ची आउण वजीर नूं दसण दी लोड़ नहीं इन्नी आवाजां विचों तेरे राजे दी आवाज़ कहिड़ी है तूं चौबी घंटे नाल रहिंदा जैसे नरपत नरपत कहिंदे राजे नूं जैसे नरपत जिवें एक राजे की आवाज बिना वेखिया ही बिना शकल वेखिए पछाण जाता है जैसे अनचर नरपत की पछाण है भाखा बोलत बचन खिन बूझे बिन देखी सिर्फ आवाज सुन के पहचान जाता शकल वेखन की लोड़ नहीं पैंदी हनेरे विच अपना पुत धी बाहरों आवाज देवे हुण पिता घर आवे तो दरवाजे ते आवाज देवे बैल ना होवे दरवाजे के अंदर बार पत्नी होवे जां बच्चे होण कई बार अपने आण पछाते ज अजकल तो कैमरे लगे हुए हैं अजकल तो बैल है मतलब मिनटों मिनट पर ऐसे ऐसे घर भी है जिथे साधन नहीं है उत्थे कई बार बाहरों दरवाजा खड़काया जाता है अंदरों आवाज आती है तुसी कौन बाहरों आवाज दे बेटा दरवाजा खोलो मैं हाँ बच्चे को दसन की लड़ है भला भी मेरे डैडी की आवाज़ है कि नहीं है उन्हें शकल तो नहीं वेखी सामने तो दरवाजा है दरवाजे के परले बने बैठा है उन्हें एक सेकंड में अपने डैडी की आवाज़ पछाण ली कहते जैसे नरपत जैसे अनुचर नरपत की पछाण है भाखा बोलत बचन खिन बूझे बिन देख ही दूजी उदाहरण दी भाई साहब ने जैसे जौहरी परख जानत है रतन की जैसे जौहरी हुण कई वारी आपां सड़क ते आम डिगया कोई कंगन लग पैंदा कई वारी आपां सोना समझ के लै जांदे उहनूं क्योंकि सानूं नॉलेज नहीं हैगी जे किते इदां जौहरी नूं सड़क ते लभे उह ते उत्थे वेख के उहने बिना वेखे उहनूं हाथ लाउण तों बिना ही दूरों दस देणा वी सोना नहीं है पर सानू लभ जाए कि इदा मुंदरी कोई हार कोई रस्ते सोने की झाड़ वाला तो आप चुक के दब दब उन्हों लेट के परस के नुकरे पौने फिर सुनियारे को लेके जाने जौहरी को अजे कहीं रह होंगे तो जौहरी दूरों कहता की कर रहे हैं कहना जी मैनू मैं थोड़े को रखना आया कहते है ही सारा पित्तल जां मलम्मे की झाल वाला
ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਦਸਾਂਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਜੌਹਰੀ ਪਰਖ ਜਾਣਤ ਹੈ ਰਤਨ ਕੀ, ਦੇਖਤ ਹੀ ਕਹੇ ਖਰੋ ਖੋਟੋ ਰੂਪ ਰੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਬੇਰੋ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹੰਸ। ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੂ, ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਬੇਰੋ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹੰਸ। ਰਾਖੀਏ ਮਲਾਏ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਰੇਗੀ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਪਹਿਚਾਨੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਰਹਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਆਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋਤ ਉਹ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੋਲੋ ਸਾਸਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਧ ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਤੁਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਅਮਰ ਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਪਹਿਚਾਨੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੋ ਆਸਣ ਗੱਦਾ ਗਦੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਲ ਲਓ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਇਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੜ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ
गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरु बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी एडी उच्ची सुची महान मेरे सतगुर की बाणी याद रखना जिन्हां ग्रंथां नूं अज मेरे गुरु के बराबर लियाउण ते जोर सिखी सरूप च रह के बाणे वाले ला रहे ने मेरा हथ जोड़ के तरला हुंदा ओ प्यारे ओ गुरु की बाणी मां सामने भी पढ़ सकते हैं धी सामने भी पढ़ सकते हैं परिवारों के हर मैंबर सामने पढ़ सकते हैं वो जिन्हों तुसी कहंदे हो साडे गुरु की है तुसी बाहर ना पढ़ो अपने परिवार की बह के पढ़ लो जे तुहाडी धी पढ़दिया तुहाडी पत्नी माता पढ़दिया तुहानू टोके ना फिर बाहर लै आउणा पर वो एडे ढीठ ने अगे आते हैं वो परिवारों से बह के नहीं पढ़ी सकती जी सिर्फ मत्थे टेके जा सकते हैं हुण वापस परत लो फैसला आप कर लो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बारे भी कहिंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब की एक एक बाणी का एक एक शब्द संगत में जिते धियां बैठियां मावां बैठियां उन्हां सामने भी गुरु ग्रंथ साहिब की हर तुक के अर्थ विचार किए जा सकते ने पर वो जिस ग्रंथ नूं मनण दा दावा करते हैं जे वह माकिया मानते हैं भी वह गुरु का ही है तो फिर अपने परिवार में बह के नाल भी कहते जो साडे बाबा जी का पाठ करते होंगे उदों बीबियां नूं संगत विचों बाहर कढ़ दिंदे होंदे सी हुण अंदाजा ला लो जिहड़ा परिवार विच बैठ के ही ना पढ़िया जावे उहनूं कह सकदे हो कि मेरे गुरु पातशाह जी इदां दी कोई रचना कर सकदे सिखो अपनी सुरत विच गल पाड़ लो अगलियां दीआं चालां ने तुहाडा विश्वास पासे खाण लई सुहागण उहनूं कहिंदे ने जिहड़ी पति व्रता धर्म निभाए जे अपने पति दे मगर जांदिआं जांदिआं उहदा ध्यान दूजे मर ते चला जाए शरीर करके ते नहीं मन करके वह पति व्रता धर्म तो एक बार भटक जाती है। तो याद रखना मैं तो एक उदाहरण दिना कि वेशवा ते सुहागण विच फर्क की है। सुहागण की डेफिनेशन यह है जिदन सुहागण बीमार होंदी है उहदे नाल किन्ने रिश्ते जुड़े ने क्योंकि वह पति व्रता धर्म निभाउंदी है उहदा एक पति है जदों वह बीमार मान लो उहदा गुरदा ही खराब हो जाए तो पुत कहिंदा मां मैं अपना गुरदा देण नूं तैयार हाँ धी कहिंदी है मां तू पाल के जवान किया जे असीं ना काम आया अपनी मां दे किहने आउणा जवाई कहिंदा है रिश्तेदार एक माँ ना एक सुहागण ना किन्ने रिश्ते जुड़े ने भरा कहिंदा मेरी भैन बीमार है गिली जाए हुण एक सुहागण ना किन्ने रिश्ते जुड़े ने भरा कहिंदा मेरी भैन बीमार है पुत कहिंदा मेरी माँ बीमार है नाना कहिंदा मेरी दोती बीमार है दादा कहिंदा मेरी पोतरी बीमार है पति कहिंदा मेरी पत्नी बीमार है दादी कहिंदी मेरी पोतरी बीमार है मासियां कहिंदियां साडी भाणजी बीमार एक सुहागण ना किन्ने रिश्ते जुड़े जदन कि वेशवा का गुरदा खराब हो जाए कभी किसी ने आखिया मेरी भैन दे मेरी भैन बीमार है मेरी माता बीमार है मेरी पत्नी बीमार है तो वह भी औरत है पर उन्होंने किसी ने रुतबा नहीं दिता कारण क्योंकि वो तन के नाल कई ने ऐश प्रस्तियां कीतियां पर अज कोई रिश्ता जोड़न वाला नहीं थां थां ते मत्थे टेकन वाले हो कितने ऐसा ना हो जदों तुहानू जरूरत पवे उस वेशवा की तरह तुहाडे कोल ही कोई ना आवे अपना रुतबा सुहागण वाला रखियो जदों तुहानू जरूरत पवे ते तुहाडे सिर ते 50 रिश्ते खलोते होण क्योंकि यह सुहागण है मैं अपना आप जदों तक तू सुहागणा वाली डेफिनेशन से खरा उतरेगा वह गुरु तेरे तो बच्चे भी वार दिते ने ते वारेगा सब कुछ कुर्बान कर दिता बाणी च लिखिया धन सुहागण जो प्रभु पछाने माने हुक्म तजे अभिमाने प्रेस हो राती रलिया माने सुन सकिए प्रभ मिल निशानी टुडेंदी है सुहाग कहो तो तनकाई कोर जिन्ना नाम सुहागणी तिना झाक ना होर जड़िया सुहागणा होंदिया ने वह किसी होर वाल नहीं वेखदियां क्योंकि उन्होंने पता होंगे मेरे बाप ने भरी पब्लिक भरी संगत में एक योग वर जाण के उहदा पल्ला मेरे हाथ में फड़ाया मेरे गुरु ने सानू जिस दे लड़ लाया उन्होंने एक बार माण ना कह दो तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ये लड़ ला के कहता सिखा ना ये बराबर किसी मनुख न बिठाई ते ना किसी होर पोथी ग्रंथ नूं बिठाई मर्यादा बनाउण वक्त भी यह कह दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब दे बराबर ना को गद्दी आसन गदेला लग सकता ते ना किसी होर ग्रंथ का प्रकाश हो सकता। आओ ऐसी महान सतगुर की गोद में आपां जुड़ के बैठे हाँ हमारी प्यारी अमृतधारी ये बहुत प्यारी है अमृत की धार है गौर गुरु ने निमख न मत मन ते टारी दे अगला वचन है दर्शन असी रब नहीं वेखिया महाराज परशन असी रब नूं स्पर्श नहीं किया पर यह बाणी विचों सानू परमात्मा के दर्शनों का झलकारा पैंदा है क्योंकि बाणी दसदी है मां च भी रब है मां च भी वेख लिया बाणी दसदी पिता जी भी रब है पिता जी भी वेख लिया बाणी दसदी है भैणा भरावां दोस्त मित्र सारिया च परमेशर है कहिंदे दर्शन बाणी की विचार विचों ही मैनू परमात्मा के दर्शनों के झलकारे पैंदे दर्शन परसन परसन का अर्थ है किसी नूं स्पर्श करना
जो मैं बाणी पढ़ता मैं इंज लगता मैं रोज ही रब न स्पर्श करदा। जो मैं रब समझ के अपनी मां गल करदा, पिता ना गल करदा, अपने बच्चों गल करदा, दोस्तों मित्रों गल करदा, मैं इंज लगता मैं परमात्मा महसूस कर रहा। बाणी विचों गलों के भाव आते हैं दर्शन परसन सरसन। सरसन कहते हैं आत्म खड़ाओ, ये आत्म खड़ाओ दिंदी है, ये अंदर का चाह वधाउंदी है। आत्म खड़ाओ दर्शन परसन सरसन हरसन, हरसन का अर्थ है ये अंदर रस नाल भरदी है बाणी। सरसन रंग रंगी, रंग रंगी करतारी दे, ये बाणी करतार दे रंग विच रंगी हुई है। रंग कहिंदे प्यार नूं, सारी बाणी परमात्मा दे रंग विच रंगी हुई है। पुछिया महाराज जे इस बाणी नूं कोई एक निमख मात्र गावे ते की हुंदा है? सुणियो महाराज कहिंदे खेन राम, खेन खेन मात्र नहीं, कोई रमे दा अर्थ राम लवे, पढ़ लवे, विचार कर लवे। खेन राम गुर गम, जे को खिन मात्र सतगुर की बाणी ना सांझ पाले तो गुरु तक गम, गम कहिंदे ने पहुंचना, गुरु तक यदि पहुँच हो जू किसी बंदे की MLA MP तक पहुँच हो तो आम थले के अफसर ना कि गल करता भला, उन्होंने ये होंगे ना भी मेरी वह गलबात है, मेरा वह उठना बैठना। कभी वेखना तुम कितने MLA MP ला के बंद चाह पीने का मौका बन ना किसी के घर आया हो भज के फोटोग्राफर कहता फोटो खिंचेगा, उन्होंने कहता मेरी फोटो खिंच ला, फोटो खिंच वड्डी करा के लाँगा कितने जी भला, ड्रैंग रूम च, बैडरूम च नहीं, क्योंकि बैडरूम आप हर एक बंद खड़ते नहीं, आप ड्रैंग रूम च खड़ते। जिन्नियां सीनरियां जिन्ने इनाम जिन्ने प्राइज ड्रैंग रूम च लाए जाते हैं तो सामने लाता, जिसे कुर्सी के रिश्तेदार आया बहिंदा ना फोटो भी उसके सामने लगती है। तो जो कि MLA MP ना बैठा हो, जो कि मुख्यमंत्री ना बैठा हो फिर तो हो ही, फिर तो रिश्तेदार विखा भी सोच समझ के पंगा लो भी एडे एडे बंद मेरा उठना बैठना, भावें उन्होंने पता भी ना तेरे वर्गे छत्ती चाह पीते वो भलिया उन्होंने भावें चेतन, पर अगला फोटो ना लवा के सबूत देना चाहता कि वे वे बंद मेरा वो भलिया। अज MLA MP कल नहीं आना, कोई हर समान नहीं राजा, बाणी का कोई पोस्टर कोई बाणी की तुक सामने लाता तो आए गए रिश्तेदार पता लगता है ये इस बापू नाल सांझ भी हैगी है, यदा बाणी नाल उठना बैठना भी है। कोई आ सरकार तो चौं साल बाद डोलन लग पी, कोई भी सरकार हो फिक्र पै जाता बचाने मुड़ के नशे वंटते हैं, चौं साल बाद जो पंजवां साल शुरू होंगे ना उदो फिर फिक्र पिया हों कुर्सी बचा कि नौजवान के मूँह जहर दिता जाता। एक मैं बेनती जरूर करता हूं भी जोड़े बंदे नशे लैके मुड़ के वोटा पाते हैं नशे वंडे जाते हैं, उन नशे पी पी के जो किसी का जवान पुत मर जाता ना वो फिर नेता उस भोगते भी आता, फिर उत्थे आके फिर बोलता है नौजवानों नशिया ने खा लिया, पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं हैरान हूं ना वो भले थोड़े हाथी तो उन्हें कई नशे दिया पेटियां वरताइया, खुल के बोलते हो किसी होर ने नहीं किया तुसें किया, पर उत्थे बोलते नहीं युरत नहीं करते। उदा असी सारे असी मूंह मिलाजा रखना चाहते, असी सच दी विचार उत्थे कह दे हिम्मत करके भी जी इन्हों का पुत नशा करता ही नहीं सी, ये जी तुसा सा ड्यूटी लाई सी जो नशा वंडदिया वंडदिया असी इस बन्ने तुर पे। बहुते अपने आप नूं सिख खाने वाले भी वोटां दे वेले आप नहीं पीते पर वशे वरताउण वाले बन्ने तुर पैंदे ने कि किसी ना किसी तरीके नाल अपनी राजनीति चमकाओ। मेरे गुरु ने आख्या ओ प्यारिया जे खिन मात्र भी सच दे नाल सांझ पा लेंगा गुरु तक पहुँच हो जू खिन राम गुर गम। तो पुछया महाराज जी हर दम जपिए कहते नहीं जम, फिर जमा नाल तेरा कोई वास्ता नहीं, जम कहे काम क्रोध लोह मोह हंकार ये जिंदे जम बंदे भजाई फिरदे आ। किसी नूं काम नूं खुआर करता, किसी ने किसी नूं क्रोध ने खुआर किया, किसी नूं लोभ ने, एक ये पंजे विकार जम ने अवर पंच हम एक जना क्यों राखो घर बार मना मारह लूटे नीत नीत किस आ गए करी पुकार मना श्री राम ना माई उचर मना आ गए जम दाल बिखम उत्ते पांच वकार क्या था उत्ते अवर पंच इत जमा का दल कहता पांच ही जमा का दल ने ये जम ने जेड़े तेन दिन रात भजाई फिर किसी लोभ रूपी जम ने जेल विखाती किसी क्रोध रूपी जम ने जेल विखाती किसी के अंदर होमे दी ये सारिया फाइया ने जड़िया बंदे अखबार कर दें। गुरुदेव ने आख्या खेन राम गुर गम खिन मात्र सांझ पाएगा गुरु तक सांझ गुरु तक पहुँच हो जी हर दम न जम जे हर दम सतगुरु की बाणी नाल सांझ पाएगा जम नाल नाता टुट जू हर कंठ नानक और हारी रे हे नानक आख जिन्हें अपने गले का हार बना लिया इस बाणी नू सदा ही परमात्मा दे नाल सांझ पा के रखता
ऐसी महान सतगुर की बाणी को जुड़ के बैठे हाँ। भागा वाले जिन्होंने अजे नहीं बाणी पढ़नी शुरू की थी, आप बाणी पढ़ो, आप पाठ करो, अपने बच्चों गुरमत न जोड़ो, क्योंकि यह साडा मुढ़ला फर्ज बनता है कि असी अपने बच्चों में बैठ के चंगियां गल्लां करिए, चंगियां आदतां दे के जाइए अपने बच्चों। असी चले जाना, मैं हर स्टेज एक साखी अक्सर साझी करता हूं भी एक बजुर्ग 95 साल का एक अंब का पौधा ला रहे, उन्होंने 12-13 साल का एक बच्चा वेख रहे, वो भज के बापू को आया, कहिंदा बापू की कर रहे, कहिंदा पुत अंबा का पौधा ला रहे, कहिंदा बापू मैं हैल्प करावां। वो पानी लिया थोड़ा जिहा डब्बे च पा के लिया के उन्हें अंबा के जड़ां च पानी पा दिता, तो एक गल पुछी उस बच्चे ने, कहिंदा बापू तेरी उम्र किन्नी है, कहिंदा पुत 95 साल, कहिंदा बापू इहनूं अंब लगदिआं लगदिआं जे 2-4 साल लग जाने ने, ते तेनूं पता तूं इह अंब खाने ने तूं हो सकदा पहले ही मर जाए, तूं अंब क्यों ला रहा। ते बापू ने जवाब बड़ा प्यारा दिता, कहिंदा पुत जिहड़े अंबां दे बूटे तों मैं अंब खाधे ओह मैं नहीं सी लाए, मेरे दादियां पड़दादियां लाए सी, ते मेरा फर्ज बनता जे उन्हां दे पौधिआं दे मैं अंब खाधे ते 2-4 बूटे मैं वी ला के जावां, मेरी पीढ़ी ने अंब कित्थों खाणे आ। इह इशारा ते समझ ही गए हो, ते फिर हुण कदों बूटे लाउणे, तुहाडी अपनी जिम्मेवारी है। प्रचार तां कह ही सकदा है, भागां वाले हो कुछ ना कुछ चंगा कर जाइए कि साढ़े बच्चे साढ़े मरण तो बाद भी कोई माण, बच्चे दे कर कौन माण करे, ये कोई बंदा आया सी, इन्हें कोई चंगा काम किया है, चंगे गुण गाए ने, चंगी विचार की है, जिस बंदे तो जिन्हों जिन्हों सुख मिलता जाण वेले दुख भी उन्हों हुंदा है। ये हुण फैसला कर रही जो कोई बंदा चढ़ाई करता है उसके घर दे क्यों रोंदे ने, क्योंकि उन्हें सुख मिलता, बाकियों को कोई मतलब नहीं, पिछों गल्लां बातां करते होंगे ने 10 मिनट चेहरा जिहा होर तरह का करते, जो किसी घर डैथ हो ना लागे जाण के ना कई रोण भी नहीं आता, फिर बोतल कढ़ के गड्डी चो पानी की माड़ा इतने ला लेंगे, पिछों तो गल्लां गाने सुनते आए हैं, उन्होंने किसी के मरण नाल भाई वो तो लागे जाण के बोतल पानी की कढ़ के इतने 2 सुट लैने भी मैं सारे राह रोंदा आया, इन्होंने पता बर्गर पीजे खाँदा आया मैं तो राह, मैनू की भाई मरिया तुहाडा मैं तो की लैना। दुख उन्होंने होंदा है जिन्हों जिन्हों को सुख मिलता हो, याद रखना जदों 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में शहादत का जाम पीते हैं, पूरे भारत में उस रात किसी ने अपने घर में चुल्हे में अग नहीं पाई, याद रखना एक कारण सी, एक क्यों, क्योंकि सच वास्ते गुरु पातशाह तुरे ने 1600 डेट नोट करना 1675 ईस्वी में 11 नवंबर का दिन से जदों 9वें पातशाह दिल्ली की धरती शहादत का जाम पीना पिया, तो 26 नवंबर 1675 ईस्वी जिस काजी ने फतवा पढ़िया, क्योंकि राजनीतिक लोग इस गलों बड़े चालबाज होंगे ने, जदों भी उन्हें काम करना धार्मिक बंदियां दे मोढ़े की वरतों करनी भी असी विचों बच जाइए पाप साढ़े सिर ते ना आवे। साहबजादे वेले भी इंज होया, काजियों मौलवियों अगे कर दिता, वजीर खां वर्गे पासे रह गए, ये 9वें पातशाह वेले भी इंज ही होया, तां ही गुरदेव नूं कहना पिया सी कि हे काजी, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हगवा, एवें थोड़ा कि काजी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण ना वै, जिया काए जोगी जुगत न जाने अंब तीने उजाड़े का बंद। 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं याद रखना धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी शहादत का जाम पीते हैं, तो 26 नवंबर 1675 ईस्वी नूं ओह काजी संसार तो कूच कर जाता है। 15 दिन बाद रब जाने नूं किसी ने मारिया नहीं, मन में सोच सोच के भी किहदे लई मैं ये धन इकट्ठा करके गया, किहदे लई, क्योंकि जो फतवा जारी करता सी सरकार वालों पैसा मिलता सी, ते ओ अंदर ही 15 दिन अपने कमरे चो बाहर नहीं निकल सकिया। इतिहास दसदा कि 26 नवंबर 1675 ईस्वी 11 गुरु साहब शहीद होंदे ने, ते 26 नवंबर काजी संसार तो कूच कर जांदा है, क्यों, मन सोच सोच के जदों भी कोई बंदा गलत काम करता है ना, मन करके अपसैट पर परेशान पर जरूर होंदा है, तो सके भरा दे बच्चों ना भी ठगी मार रहे, उपरों उपरों तो हसदा है पर अंदरों सोचता है यह रखवा रहा मैं अपने बच्चों, यह रखवा रहा अपने बच्चों। वापस परत आइए, पातशाह ने जिहड़ी गल कही है बाणी बड़ी महान है, हे इंसान जिंदगी जूनी सिख जीवन उसनों कहिंदे ने जिहड़े जीवन दियां तेरे मरण तो बाद भी लोग उदाहरणां देण, जीवन उसनों सफल जीवन सारिया ने मनुखा दे प्राप्त की है, पर प्रेरणा स्रोत जीवन पता किहड़े हुंदे ने जिहदियां लोग उदाहरणां देण। अखीर ते एक नुक्ता कह के समाप्ति कर लगा, धन गुरु अर्जन साहब का शब्द है सभे थोक प्राप्त जे आवे एक हथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। ध्यान ना समझो, जदों बच्चा गलत रस्ते पैन लगता है मां कोल कि उदाहरण होंगी है भला बच्चों सही रस्ते पाने की, पति की कहती पुत अपने बाप वाल वेखी, धी समझा अपने बाप की पागल वेखी,
ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਪੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਪਰਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਪਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਤੀ ਇਖਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਾਂ ਗਲਤ ਰਸ ਜੇ ਮਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਧੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੁੱਤਰਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗਰਜ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਸੋਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਉ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦਾ ਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਨਾ ਭਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਾਈਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਹ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਭੱਜ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਗਮ ਗਮ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਰੇਟ ਪੈ ਜੂ ਉੱਥੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ ਅਬ ਵੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ ਉਹ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਤ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋਊ ਆ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸਿਵਾਹੀ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜਾ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਮੂਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਸਮਝ ਲਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾ ਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਮੂਰ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਮਹਿਰ ਮਹਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਨਹਿ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹਿਰ ਮਹਿਲ ਨਹਿ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਭਲਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਪੋਤਰਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਕਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੇ ਸਿਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦੌੜੇਗੀ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੌੜੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਮਝੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਦਾਜ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਛਿੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਾ ਲੋਭੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਚਾਰ ਛਿੱਲਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਕੀਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ
खंडे की पौल लेके अमृतारी होकर सतगुरु की बाणी आप पढ़िए विचारीए वहमा भरमा पखंडा करम कांडा चो बाहर निकल के गुरु की विचार ना सांझ पाईए आप सहज पाठ करिए अपने बच्चों गुरमत ना जोड़िए ताई साड़ी जिंदगी का ये जिहड़ा जीवन है ये सफल होएगा जिंदगी खूबसूरत बनेगी। इस गुरुद्वारा साहब अज आखिरी दीवान से बाकी आने वाले दीवान तुहानू स्टेज तो दस दिए जाएंगे कितने कितने होर दीवान सजने ने मालिक कृपा करे ये तीन दीवाना विच बाणी की विचार करते हैं जिन्नियां भुल्लां होईयां ने मेरियां ने जिहड़े बचन चंगे लगे वो मेरे नहीं समझ लैने गुरु जी दे जान के हिरदे च वसा लैने ने सारयां दा तहि दिलों धन्नवाद अदर सत्कार सारिया ने फतेह बुलाउणी जिन्होंने लंगर दिन सेवावान की जिड़िया जिड़िया भी संगत लिया दियाँ सारियां मार्ग चढ़ती कला बख्शे साढ़े घर प्यार इतफाक आए असी गुरु की बाणी जुड़ के अपनी जिंदगी में सहज संतोख लिया सकी। फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।